नानाखेड़ी स्थित पुलिस चौकी पर कल एक महिला दो पहिया वाहन से गिर गई और चोटिल हो गई। बताया जा रहा है कि जिस समय महिला बाइक से गिरी उस समय नानाखेड़ी पुलिस चौकी पर चेकिंग का कार्रवाई चल रही थी। सोशल मीडिया पर इसके बारे में बताया गया कि वाहन चेकिंग के दौरान किसी पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया था, जिसके चलते ये घटना घटित हुई। लेकिन जब इसकी पड़ताल ग्राउंड रिपोर्टर ने की तो पता चला कि चेकिंग तो उस समय चल ही रही थी और एक दो पहिया वाहन चालक चेकिंग से बचने और हड़बड़ाहट के चलते उसकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिससे वह महिला रास्ते में गिर गई। गनीमत रही कि उसके पीछे से कोई भारी वाहन नहीं आ रहा था, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वह इस घटना को देखते हुए जैसे ही पुलिसकर्मियों की नजर उक्त महिला पर पड़ी तो उन्होंने आनन फानन में महिला को उठाया, साथ ही साथ महिला का वाहन से जो सामान गिर गया था वह भी समेटने में मदद की। बता दें कि पुलिस अधीक्षक की शराबखोरी एवं अन्य वारदातों को लेकर पुलिस चौकसी मजबूती से करने के लिए जगह जगह पुलिसकर्मी वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में यह हादसा हुआ। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को यह आदेश भी जारी किया है कि महिलाओं और बच्चों को परेशान न किया जाए। पुलिस के कारण भाई साहब जी चेकिंग चल रही है यहाँ पे, ये जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं, ये जहाँ पे चेकिंग चल रही है जबरदस्ती भगते हैं मोटरसाइकिल वाले, तो यहाँ पे चेकिंग पॉइंट पे ये गिर गए, बहुत जोर से हादसे हो गए यहाँ पे। ये मोटरसाइकिल है इनकी, ये पुलिस वाले इनके चक्कर में ये भग रहे थे भाई साहब जी यहाँ से, ये दोनों मोटरसाइकिल वाले थे ये जबरदस्ती ये जहाँ जा रहे थे तो मोटरसाइकिल टकरा गई डिवाइडर से और ये दोनों मोटरसाइकिल टकराई और ये एक्सीडेंट हो गया है। ये देख रही है नाना खेड़ी मंडी गेट पर।